हेलो जी वीवर्स, ये सैटरडे नाइट है। मैं एडिट कर रही थी अपनी वीडियो को और साथ साथ मैं खा रही हूँ ग्रेप फ्रूट्स, क्योंकि आज मैंने दोपहर में बहुत हैवी खाना खा लिया है, तो मेरा इरादा नहीं है रात का खाना खाने का, इसलिए मैंने सोचा कि ये खा लूँ, शायद रात को वज़न कम हो जाए इसके खाने से। जी वीवर्स, ये आ गई संडे रात को वजन कम करने के लिए देखें ग्रेपफ्रूट और सुबह उठते ही हलवा पूरी। ये मेरे उल्टे उल्टे काम देख लें। मैं कभी भी डाइटिंग वाइटिंग ये सब मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस का रोग नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी का तो मकसद है सिर्फ खाना खाना और अच्छे अच्छे खाने खाना। तो सुबह का नाश्ता हो रहा है जी हलवा पूरी के साथ, और बड़ा ही हैवी किस्म का जो है ना नाश्ता हो गया। अब ये हैवी खा लिया तो इसके बाद कोई ना कोई ऐसा टोटका ज़रूर लगेगा कि इसकी जो है ना कसाफियत, मतलब के जो भारापन है वो थोड़ा कम हो जाए ना। तो डाइटिंग शाइटिंग में मेरे बस का रोग नहीं है जी, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं लाख कोशिश कर लूँ मगर ये होना नहीं है। पर मैं वीवर्स इतनी मोटी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल जो लेडी होती वैसे ही हूँ। फिर भी यानी क्रेज़ जी सवार होता है। ये देखें आज फिर अबू ने ग्रेप फ्रूट लगाए हुए हैं, रेडी बिल्कुल खाली है, थोड़ा ही रह गया। तो बाकी जो मंडी का सामान है वो अबू के अड्डे पे आया हुआ है, वहाँ से अबू इसमें और सामान डालकर इसको बेच देंगे। तो हम हलवा पूड़ी खा रहे थे, मिट्ठू ने टैं 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 शोर मचाया हुआ था सुबह सुबह, तो हम खा रहे हैं तो ये शोर मचाता होता है। तो इसको भी मैं हलवा पूड़ी ही दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ लो बेटा जी तुम भी खा लो अब सुबह सुबह, और तो कोई इसके हिसाब से फल है नहीं, तो ये हलवा पूड़ी था मेरे पास तो मैंने यही इसको डाल दिया और उसने खा भी लिया जी। जी तो नाश्ता हो और चाय ना हो ये तो नामुमकिन है। चाय तो जान है भाई हम टीचर्स की, मैं अपनी बात नहीं कर रही सबकी। और संडे का दिन बहुत ही मसरूफियत से भरा हुआ, ये देखें यहाँ पर मैंने धोबी घाट खोला हुआ है। आज मैंने सारे कपड़े अपने सारे धोने हैं और ना सारे बिस्तरे धोने का प्लान है हमारा। सारे खेसें चादरें कुछ रखने वाली कुछ निकालने वाली वो सारे धोने का प्लान है। धबड़ धबड़ कपड़े धुल रहे हैं, मौसम भी ऐसा अजीब सा हो रहा है। और आज कपड़ों के साथ आज मैंने बड़ा काम किया व्यूअर्स, जितना यकीन करें जितना मुझे मम्मी अबू खिलाते हैं ना उससे कई गुना खोते की तरह काम ले लेते होते हैं मेरे से। हाँ सच में बड़ा काम ले लेते हैं। हाँ डोंट वरी, घर के काम है करने तो हैं ही, होली होली आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेते हैं। संडे तो फिर शहजादियों वाला तो नहीं ना हुआ, मैं कहती हूँ पर होता नहीं है ऐसा। अब ये देखे कपड़े धोते धोते रात हो गई है, और ये गद्दे मैंने दो उधेड़े हैं, उधेड़ कर मैंने इनको रुई को वॉश कर लिया है। अब रात को ये मैंने अब इनको रख दिया अठहरने के लिए, और तकरीबन रात के 10 बजने वाले हैं। इनको मैंने धो लिया, अब सारी रात इनको रख दिया कि इसमें से पानी ना निचड़ जाए, फिर उठाकर इनको कहीं सूखने वाली जगह पे रखूँगी ढेर सारा। और अच्छी खासी जो है ना आज टाइम होगा कपड़े धो, आज मेरे हाथों और मेरे पट्ठों की बैंड बच गई। सही में कहते हैं ना जो फलूदा निकल गया वो निकल गया, बैंड बच गया। तो रुई इतनी अच्छी थी, अम्मी कहती फेंक दो, मैंने कहा नहीं फेंकना नहीं है इसको, मैं वॉश करूँगी, वॉश करके इसको दोबारा सारा काम करके इसको भराऊँगी। और रात देखें इतनी ठंडी और इतनी मज़े की थी, मगर थकन में कुछ भी नहीं मज़ा आ रहा था, क्या करें बस। फिर नेक्स्ट डे का जो है ना आपको व्लॉग, ये जी आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग नज़र आ रहा है। और ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे सुबह सुबह उठकर मैंने इसको पहले निचोड़ा फिर दोबारा हाथ से और फिर इसको यहाँ पर रख दिया। तो दो गद्दों को कल संडे था, मैंने सारा दिन उसको उधेड़ने में लगाया, उधेड़ कर उसे रात को बैठ के वॉश किया। रात को इसलिए वॉश किया क्योंकि पानी जो है ना खुला आ रहा होता है रात के टाइम, तो ढीले बने हुए। तो इनको ये जो आपको ढीले नज़र आ रहे हैं ना, मैंने इतने छोटे छोटे पीसीज में ही इनको वॉश किया है रुई को। सर्दियों की आमद आमद है इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनको जो है ना ये बिस्तरे, तो पिछले साल मैंने आधे बिस्तरे कर लिए थे तो ये दो गद्दे रह गए थे, इनको भी मैंने वॉश कर लिया। अब इनको ये छोटे छोटे ढेले नज़र आ रहे हैं, इनको छोटे छोटे पीसीज में ही मैंने वॉश किया सरफ के साथ दो तीन दफ़ा, और फिर सारी 3-4 घंटे पानी से निकाला है मैंने। ये ढेले इसलिए बने कि मैंने इनको छोटे छोटे पीस में निचोड़ा है, अब इसमें से थोड़ा पानी निचड़ जाएगा तो फिर मैं इनको बैठ कर आराम से एक एक पीस को खोलूँगी, खोल कर आराम से इसको हफ्ता एक तकरीबन धूप लगाऊँगी। तो वीवर्स ये तकरीबन हफ्ता लग जाएगा, मौसम पे डिपेंड करता है। देखें अभी भी मैंने धूप में डाला तो बादल आ गए, अगर ऐसा ही रहा फिर तो
पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो अभी वैसे सर्दियाँ आई नहीं है, स्टार्ट है आई थिंक, एंड मुझे आइडिया है कि तकरीबन 20 से 25 दिन में सर्दियाँ हल्की फुल्की आ जाएंगी, बट रज़ाई वाला नहीं आएगा। बट उससे पहले ये वाली जो धूप है ना, कड़कती हुई आजकल की, ये अच्छी धूप है, इसमें हमारे जो है ना बिस्तरे और ये सर्दियों के जो सारे कपड़े हैं वो अच्छी तरह जो है ना ड्राई हो सकते हैं। ये दो गद्दे थे तो अभी देखें ढीले बने हुए हैं, मैंने ये छोटे छोटे जैसे ये ढेला है इसको मैंने अच्छी तरह सर्फ में धोया, निथारा और इसको फिर अभी फ़िलहाल निचोड़ कर मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये इतना ढेर है, मेरे तो हाथ रह गए थे इनको कर करके। अभी तकरीबन इन पर हफ्ता लगेगा, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा मैं आपको प्रोसीजर दिखाती जाऊँगी। और व्यूअर्स, मुझे रज़ाई सी नहीं आती, नहीं थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम पिछले साल ही शुरू किया है, पिछले साल ऐसे शुरू किया कि काफ़ी दोस्तों को सबको कह रही थी कि मेरे साथ सिलवा दो, तो सब बिज़ी थे, कोई भी नहीं साथ दे रहा था। तो इतने सालों में मैंने कभी सी नहीं, अम्मी हर दफ़ा कर देती थी। पिछले साल मुझे गुस्सा चढ़ा, बिस्तरे बहुत ही गंदे हो रहे थे, सीने वालियाँ भी एक एक रज़ाई गद्दे के 800-700 रुपये मांग रही थी। तो मैंने कहा मैं पहले धोऊँ फिर इनको रुई को भरवाऊँ, इसमें तो बहुत ख़र्चा आ जाएगा, कवर भी मैंने नए लिए सारे जाके, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना खुद ही टांके लगाना शुरू किए। पहले अपना एक रज़ाई को किया, उसके बाद मैंने जो है ना सीना शुरू किया, एक रज़ाई थोड़ी सी गंदी सी ली, उसके बाद दूसरी ठीक सी ली, तीसरी और नीट हो गई, और उसके बाद मुझे आ ही गया। उसके बाद जब मैंने ये सीख लिया तो व्यूअर्स कैन यू बिलीव कि मेरी एक फ्रेंड थी आंटी, उनके बेटे की शादी थी तो उनके घर में रज़ाई बिस्तरे नए बनने थे, सर्दियों की शादी थी तो नए बनने थे, तो उन्होंने मुझे अपने घर से बुलवाया, मुझे बुलवाया कि आओ मेरे साथ जो है ना तुम रज़ाई गद्दे सियो, तुमने सीखा है। तो मैंने फिर उनके साथ गद्दे सिलवाए, रज़ाइयाँ सिलवाई, कितने सारे शादी के ना मेहमानों के लिए कितनी सारी मैंने उनके साथ स्टिच करवाई, तो उनसे ज़्यादा माशाल्लाह। हालांकि वो आंटी हैं तो वो उनके बेटे की शादी थी तो वो तो एक्सपर्ट थी इन चीज़ों में, गांव वाली थी, तो उनसे ज़्यादा स्पीड में मैं स्टिच कर रही थी, क्योंकि देख के इतने सालों में लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, मुझे आ ही नहीं सकता। तो जब किसी ने साथ नहीं दिया मुझे गुस्सा चढ़ा, और फिर मैंने स्टार्ट किया तो आ गया, सिल गया। तो इस साल अब मैं सारे खुद ही कर रही हूँ, इस साल मैंने खुद ही अधेड़ा है, खुद ही इसको सारा किया, खुद ही वॉश किया, और मैं अब इसको खुद ही वॉश करूँगी, खुद ही इसको स्टिच भी करूँगी, आप आगे आगे देखिएगा।